आज हम बात करेंगे कुछ बर्निंग टॉपिक के बारे में, यानी कि बर्निंग एज वेल एज इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तो ये मुद्दा उनके लिए है, उन पुरुष के लिए है, उन बॉयज़ के लिए है जो थोड़े सोसाइटी में हटके रहते हैं, यानी कि सरल शब्दों में कहें तो प्ले बॉयज़ के बारे में। ओके, यानी कि प्ले बॉयज़ के बारे में। ओके, सर्च ऑन गूगल एंड नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो उनके बारे में जो थोड़े सोसाइटी में हटके रहते हैं, यानी कि अगर कोई पर्सन है उसका मैरिड वूमेन से अफेयर है और वो पकड़ा जाता है। ओके, अब पकड़े जाने की जो डेफिनेशन है वो क्या क्या हो सकती है, ठीक है। पकड़ा कैसे जा सकता है, वो ऑनलाइन पकड़ा जा सकता है, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू प्रूफ हो जाता है, कॉल चैट वगैरह वगैरह, ठीक है। प्राइवेट प्लेस में पकड़े जा सकते हैं, यानी कि होटल या फिर किसी होटल के कमरे में वगैरह वगैरह। ओके, या फिर किसी के घर में ही, ओके, वूमेन के घर में ही पकड़े जाते हैं, हस्बैंड उनको लाइव देख ले, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुकूल आपत्तिजनक स्थिति आपत्तिजनक स्थिति में देख लें, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो उस पर क्या क्या एक्शन हो सकता है, देखो सरल शब्दों में आपको बता दूं, अगर महिला के खुद की मर्जी से संबंध बनाए गए हैं, यानी कि महिला खुद कंसेंट देती है कि मेरे साथ जो करना है कर लो, या फिर वो इंटरेस्टेड है थर्ड पार्टी में अदर देन हस्बैंड, तो कोई क्राइम नहीं है, ठीक है, सीधी बात, कोई क्राइम नहीं है। यानी कि जो वाइफ है जिसके साथ आप पकड़े गए हो, उसका हस्बैंड आपके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता, यानी कि अडल्ट्री का वो केस नहीं कर सकता। रही बात अब आपको क्या करना चाहिए उस केस में, सपोज आपके साथ मारपीट करता है, तो आपको बिल्कुल थाने में जाना चाहिए, अपनी FIR लिखानी चाहिए, जो भी आपके साथ हुआ है वो सब आपको बताना चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे मैं FIR क्यों लिखाऊं, मैं इस पचड़े में क्यों पढ़ूं, तो देखो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको हरासमेंट किया जाएगा, ठीक है, या तो आप हथियार उठा लो या अगले को हथियार उठा ले दो, ठीक है। हो सकता है वो आपके साथ कुछ गलत कर दें, तो इससे अच्छा है आप अपनी FIR लिखाएं, कल को पुलिस ये तो कहेगी हाँ भाई इस बंदे ने FIR लिखाई है। देखो दो कंडीशन होती है हमारे पास, या तो हमारा काम बन जाए, ठीक है, लॉ में क्या होता है, या तो हमारा काम बन जाए, ठीक है, या होता है कि हम अपने आप को बचा लें उस चीज़ से, ठीक है, या तो हमारा काम बन जाए, या तो हमारा काम बन जाए, जो हम चाहते हैं वो हो जाए। अगर वो नहीं होता कम से कम हम तो बच जाए ना मेरे भाई, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको क्या करना है, अपनी FIR लिखानी है। अगर आप लाइव पकड़े जाते हो, आपके साथ कोई मार पिटाई होती है, अब सीधी सी बात है हस्बैंड के साथ वाइफ के साथ पकड़े जाओगे और उसका हस्बैंड देख लेगा तो थोड़ा बहुत पूजा तो होगी नहीं, वहाँ मार पिटाई होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है स्थिति में, आपको वहाँ से बच के आपको पुलिस स्टेशन जाना है, अपनी FIR लिखानी है, ठीक है। अब आपको ऑनलाइन धमकी दे, फ़ोन वाली धमकी दे, तब भी आपको केस करना है, यानी कि आपको FIR लिखवानी ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि सपोज भाई क्वेश्चन आता है कि सपोज वाइफ बयान बदल दे, बोल दे कि मेरी मर्जी नहीं थी, इसने मेरे साथ रेप किया है, तो देखो वो आपकी किस्मत है, वो आपकी जो वाइफ है या सॉरी जो आपकी लवर है या फिर जो भी आप कह लो वो उसकी किस्मत है, यानी कि आपने उसने आपको फंसवा दिया। अगर वो हस्बैंड के प्रेशर में आगे बोल दे तो आप गए, ठीक है। अदरवाइज वो आपसे कुछ रिलेशन रखना चाहती है तो आपको वो बचाएगी, ठीक है, ऑब्वियसली बात है वो आपको बचाएगी, क्योंकि अपने हस्बैंड से छुप के वो रिलेशन बना रही है, तो कुछ तो बात है, ठीक है, आपने कुछ तो बात है ना। तो मॉरल ऑफ दिस वीडियो कि 497 यानी कि अडल्ट्री कोई क्राइम नहीं है, अफेयर अगर आपका पकड़ा जाता है तो आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। हस्बैंड कोई एक्शन ले नहीं सकता, उसके पास एक ही रेमेडी है, डाइवोर्स। ओके, और वैसे भी अगर जिसकी वाइफ किसी के साथ पकड़ी जाती है तो उसको रखेगा तो है नहीं, डाइवोर्स ही लेगा, कोई बड़े दिल वाला है तो रख लेगा, उसकी हम कह नहीं सकते, ठीक है। अब सपोज हस्बैंड है, अगर किसी हस्बैंड के साथ ऐसा होता है तो देखो भैया डाइवोर्स लो, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, ठीक है, डाइवोर्स लो, मेंटेनेंस हटवाओ, अडल्ट्री है तो कोई मेंटेनेंस का तो ग्राउंड बनता ही नहीं है, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर, बाय।